हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जोन में। आज का टॉपिक है डॉल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग प्रैक्टिकल में दिखाने का। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले हम लोग MCB से लेंगे, MC पुश बटन में है, जो कि हम लोग का स्टॉप पुश बटन है। इसके बाद NC पुश बटन में लेने के बाद हम लोग NO पुश बटन में लेंगे। NC पुश बटन से लेने के बाद हम लोग किस में लेंगे? NO पुश बटन में लेंगे। ये हमारा NO पुश बटन। अब NO पुश बटन से हम लोग लेंगे कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में। हम लोग NO पुश बटन से लेंगे कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में। तो हम लोग NO पुश बटन से कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में ले लिए और कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट दे दिए हैं। तो एक बार टेस्ट किया जाए, देखिए ये हमारा ऑन हो रहा कॉन्टैक्टर, लेकिन अभी होल्डिंग नहीं हो रहा। तो होल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर जो NC का आउटपुट है या NO का इनपुट है, वहाँ से एक वायर जो कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट में लेंगे और NO पॉइंट का आउटपुट से हम लोग लेंगे कोयल के A1 टर्मिनल में। तो चलिए होल्डिंग करते हैं। NO के इनपुट से हम लोग कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट यूज किए हैं, उसका इनपुट में दे दिए हैं, और जो NO का आउटपुट है वो आउटपुट से हम लोग कोयल के A1 टर्मिनल में दे देंगे। उसके बाद हम लोग का होल्डिंग तैयार। ये हमने दे दिए, उसके बाद चेकिंग करते हैं वायरिंग सही हुआ कि नहीं। ये देखिए होल्डिंग हो रहा, ये होल्डिंग हो रहा, ऑफ हो रहा, होल्डिंग हो रहा, ऑफ हो रहा। ये हमारा कंट्रोल वायरिंग रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।